तो भक्ति आरंभ मध्य अंत ये श्रवण कीर्तन से ही भरा है। इसीलिए भागवतम कहती है यस्याम वै श्रूयमानायाम, कि जब हम कृष्ण के गुणगान को सुनेंगे तो शोक मोह भय अपहा, हमारे जीवन से शोक मोह और भय चला जाएगा। तो कृष्ण से संबंधित शब्दों को सुनने मात्र से, क्योंकि वो शब्द भी नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह अभिन्नत्वम नाम नामिनो, कि वो भगवान और भगवान के शब्द अभिन्नत्वम है, वो अलग नहीं है, एक समान है। तो जब आप कृष्ण और कृष्ण के नामों को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो जो शब्द कृष्ण से संबंधित हो गए वो भी कृष्ण के समान आकर्षक हो जाते हैं और वो हमारे हृदय की इच्छाओं को अपनी ओर खींचना आरंभ कर देते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को समझने के लिए, भगवान की शास्त्रों को समझने के लिए, उनकी वाणी को समझने के लिए हमें प्रामाणिक भक्तों के संग की आवश्यकता है। तो बिना प्रामाणिक भक्तों के संग के बगैर हम इस श्रीमद् भागवतम को, इस भगवान की कथा को समझ नहीं सकते। इसीलिए भागवतम में ना ही भगवान का गुणगान, ऐसा बहुत कुछ दिया गया है जिससे सामान्य लोगों का विश्वास वो भागवतम की वाणी के प्रति हो, क्योंकि सामान्य आरोप शास्त्रों पे क्या लगाया जाता है, ये मनुष्यों के द्वारा रचे गए हैं। लेकिन 5000 साल पहले उन भागवतम में जो भविष्यवाणियां दी गई हैं वो आज तक सत्य साबित हुई हैं। गौतम बुद्ध के आने की भविष्यवाणी, अंजना सूत, और अंजनी के पुत्र बनकर आएंगे और अहिंसा के धर्म को फैलाएंगे, तो वैदिक शास्त्रों के की जो प्रामाणिकता है उसको नकार देंगे ताकि लोग जो पशु वध कर रहे थे उसको रोक दें। और यही नहीं, फिर चैतन्य महाप्रभु के आने की भविष्यवाणी भी इस श्रीमद् भागवतम में दी गई कि वो चैतन्य महाप्रभु आके यज्ञ ही संकीर्तन प्राय, जो संकीर्तन यज्ञ की स्थापना करेंगे, और ऐसे स्वीकार करने वाले सुमेधा शाह भी होंगे। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में कई भविष्यवाणियां दी गई हैं जो आज तक सत्य साबित हो रही हैं, जैसा कि चाणक्य पंडित के आने की भविष्यवाणी दी गई, नवनंदना द्विजा कश्चित, एक द्विज आएंगे जो नवनंदनों को मरवा के वो क्या करेंगे, मौर्या भोक्ष्यन्ति वैकुला, मौर्य संप्रदाय के द्वारा भारत में एक बड़े शासन की स्थापना करवाएंगे। सा एव चंद्रगुप्तम वै, और वो राजा होंगे मौर्य परिवार से चंद्रगुप्तम, उनके पुत्र होंगे वारिसान, ततश्च और उनके पुत्र होंगे चा अशोक वर्धनम, और उनके पुत्र होंगे अशोक। तो इस प्रकार से चाणक्य पंडित आए, 5000 साल पहले भविष्यवाणी भागवतम में दी व्यासदेव जी ने। तो आज के आधुनिक इतिहासकार भी भागवतम की इन भविष्यवाणियों को स्वीकार कर रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं परम भगवान है, श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि वो परम भगवान कलयुग में अपने आप को भगवान नहीं कहलवाएंगे, क्योंकि कलयुग ढोंगियों का युग है। अगर भगवान आके अपने आप को भगवान कहेंगे तो 1000 खड़े होकर बोलेंगे हम भी हैं। तो इसीलिए वो भगवान अपने भक्त के रूप में छद्म वेश धारण कर आएंगे, और वो चैतन्य महाप्रभु आए। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम में जो भविष्यवाणियां भी दी गई हैं वो आज तक सत्य साबित हुई हैं, और ये इसकी प्रामाणिकता को स्थापित करता है कि ये ज्ञान परम भगवान के द्वारा दिया गया, क्योंकि वो परम भगवान कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानि च अर्जुना भूतानि च भविष्यानि माम तु वेद न कश्चन, मैं भूत वर्तमान भविष्य के तीनों कालों के सभी विषयों का ज्ञाता हूँ। और वो भगवान से प्रेरणा प्राप्त करके व्यास देव जी, जो उनके अवतार हैं, उन्होंने इस श्रीमद् भागवतम पुराण की रचना की है।
तो इस प्रकार से कृष्ण ग्रंथ के रूप में हमारे सामने श्रीमद् भागवतम में प्रकट हुए हैं, और श्रीमद् भागवतम कृष्ण का ग्रंथ अवतार है। तो जब आप श्रीमद् भागवतम की वाणी को सताम प्रसंगाम भक्तों के मध्य आकर सुनते हैं, तो ये हमारे हृदय में उन परम पुरुष कृष्ण के प्रति आकर्षण को जागृत करेगा, हमारे अनर्थों को समाप्त करेगा और हमें भक्ति देगा और हमारे जीवन से शोक भय मोह को समाप्त करेगा। ये इतना शक्तिशाली वाणी है, और आज पूरी मानव जाति जो भय के अंदर है, शोक में है, मोह में है, उन सब के लिए ये एक रसायन की आवश्यकता है। और इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जी ने रात दिन मेहनत करके इस श्रीमद् भागवतम के अनुवाद को लिखा, ताकि पूरी मानव जाति आज वर्तमान समय के अनुसार इस भागवतम को स्वीकार कर सके।